ओके बच्चों हम नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंसेस कोई भी सीक्वेंस ए एन बाउंडेड अबव तब होता है जब उस सीक्वेंस की सारी टर्म्स के uh, से लेस हो या के के इक्वल हो तो अ सीक्वेंस इज सेट टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के सच दैट ए एन इज़ लेस देन इक्वल्स टू के फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर का मतलब है कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स के से लेस होनी चाहिए मतलब वन पुट किया ए वन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू के ए टू ए थ्री ए ए फोर सारे ही K से के से लेस या इक्वल होंगे एंड के इज़ कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस ए एन अ सीक्वेंस ए एन एज एन टू बी बाउंडेड बिलो बाउंडेड बिलो मतलब जब सीक्वेंस की सारी टर्म्स नीचे से बाउंडेड होंगी नीचे से बाउंडेड होंगी मतलब कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा एच जो सीक्वेंस की सभी टर्म्स से छोटा होगा या इक्वल होगा ठीक है फॉर ऑल एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर ये हो गया लोअर बाउंड जैसे कि मान लो आपके पास सीक्वेंस है एन एन स्क्वायर लेते लिखें चलो इसकी पहली टर्म ए वन इसको जनरल में ऐसे लिखा हुआ है ना एन स्क्वायर ए वन हो गया वन ए टू हो गया टू का स्क्वायर दैट इज फोर ए थ्री हो गया नाइन ए फोर हो गया सिक्सटीन अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप वन फोर नाइन सिक्सटीन सोन आप देख रही है सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है ऊपर से तो चलो चलता ही जा रहा है नीचे से बाउंडेड बिलो है क्योंकि वन से स्मॉल इसके पास कुछ नहीं है तो वन देयर एग्जिस्ट रियल नंबर वन such that वन is less than equals to ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल ठीक है तो बाउंडेड बिलो हो गया अब यही अगर आप वन अपॉन एन सीक्वेंस लेंगे तो सीक्वेंस की पहली टर्म आएगी वन फिर वन बाय टू वन बाय थ्री वन बाय फोर तो आप देख रही है टर्म्स छोटी होती जा रही हैं मतलब सबसे बड़ी टर्म वन है वन से बड़ा कुछ नहीं है इसके पास ठीक है ना लिखने में ऐसे ही लिखोगे क्योंकि ये सीक्वेंस की टर्म्स लिखने का ऑर्डर यही होता है लेकिन सबसे बड़ी टर्म है वन इट मीन्स वन से सारी टर्म्स छोटी हैं फॉर ऑल एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर सो देयर एग्जिस्ट रियल नंबर वन की वन से सारी टर्म्स छोटी है इक्वल है सो वी से सीक्वेंस बाउंडेड अबव और उसका अपर बाउंड बन गया वन यहाँ पर लोअर बाउंड बना था वन ठीक है तो ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव एंड बिलो हो गए और सीक्वेंस जो दोनों तरफ से बाउंडेड होता है इफ़ इट इज़ बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो दैट इज़ टू रियल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे सच दैट ए एन लाइज बिटवीन एच एंड के फॉर ऑल एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर अ सीक्वेंस अनबाउंडेड तब कहलाएगा अगर वो बाउंडेड नहीं है अ सीक्वेंस अनबाउंडेड तब कहलाएगा ये yes, इसकी नदर डेफिनेशन दी हुई है बाउंडेड नहीं है मतलब उस पर कोई रोक नहीं लगी हुई अनबाउंडेड है मतलब कोई एक आ, आपका नंबर एग्जिस्ट कर रहा है डेल्टा ग्रेटर देन जीरो हा एवर लार्ज मतलब जितना मर्जी बड़ा नंबर आप डेल्टा ले लो देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स में से कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए एन का मॉड इज ग्रेटर देन डेल्टा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम जैसे कि ये देखिए यहाँ पर अगर आप सीक्वेंस ले लें एन स्क्वायर तो ये अनबाउंडेड अबव है ना अनबाउंडेड अबव क्यों है क्योंकि इस पर कोई रोक नहीं लगी हुई अब इसको लिखेंगे कैसे कि जितना मर्जी आप डेल्टा बड़ा ले लो जितना मर्जी आप डेल्टा बड़ा ले लो से डेल्टा आप ले लो थाउजेंड एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर एम ले लो थाउजेंड हंड्रेड ले लो चलो यहाँ पर हंड्रेड चलेगा सच दैट ए एन का मॉड मतलब ए एन का मॉड ग्रेटर देन डेल्टा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम ये लिखा हुआ था बुक में कि एम एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम का मतलब है एम एथ टर्म और एम एथ से बड़ी टर्म्स मतलब एम एथ टर्म एम प्लस वन टर्म एम प्लस टू टर्म्स सारी टर्म्स का जो मॉड होगा वो डेल्टा से बड़ा होगा एम एथ टर्म क्या बनेगी एम एथ टर्म आपकी बनेगी बेटे एम एथ टर्म आपकी बनेगी अगर आप हंड्रेड पुट करेंगे हंड्रेड का स्क्वायर दैट इज इज ग्रेटर देन डेल्टा तो हाँ ये डेल्टा से बढ़ाई है ऐसी एम प्लस वनित टर्म निकालोगे वो भी डेल्टा से बड़ा होगा तो कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर जाना चाहिए सच दैट उस नेचुरल नंबर की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म और उससे बड़ी टर्म्स का मॉड डेल्टा से बड़ा बढ़ाए तो हम कहेंगे सीक्वेंसेस अनबाउंडेड यहाँ पर सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव है बाउंडेड बिलो है मगर ऐसे सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं जो दोनों तरफ से अनबाउंडेड हो ठीक है ये हो गया अनबाउंडेड इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बस आ गया तो ये भी हो गया था अनबाउंडेड की डेफिनेशन नोट अ सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अकॉर्डिंग एज इट्स रेंज इज बाउंडेड अबव बिलो एंड बाउंडेड अगर उसकी रेंज बाउंडेड अबव है तो बाउंड अबव बन जाएगा रेंज उसकी बाउंडेड बिलो है वो बाउंड्रेड बिलो बन जाएगा अगर रेंज उसकी बाउंडेड है तो वो बाउंडेड बन जाएगी नोट टू अफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड देन इट्स रेंज इज बाउंडेड अगर सीक्वेंस बाउंडेड है उसकी रेंज बाउंडेड है एल यू बी जी एल बी ऑफ द रेंज आर द एल यू बी जी एल बी ऑफ द सीक्वेंस सेट के एल यू बी जी एल बी क्या होते हैं मैं समझा चुकी हूँ तो जो रेंज सेट के एल यू बी जी एल बी होंगे वही सीक्वेंस के एल यू बी जी एल बी होंगे दे आर ऑल्सो कॉल्ड द सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ द सीक्वेंस इसको सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ द सीक्वेंस भी बुलाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल यू बी पहली प्रॉपर्टी है कि ए एन इज लेस देन एल यू बी क्या होता है एल यू बी इज बेसिकली लीस्ट अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड लीस्ट वर्ड को दो मिनट भूल दिया जाए अगर तो अपर बाउंड है अपर बाउंड है मतलब सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं वो इस अपर बाउंड से छोटी हैं या इक्वल हैं तो पहली डेफिनेशन वही है अपर बाउंड वाली सेकेंड डेफिनेशन लीस्ट वर्ड से रिलेट करती है फॉर गिवन अप सैलन गिटन जीरो हावर स्मॉल मतलब सैलन नंबर आप जितना मर्जी स्मॉल ले लें देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉजिटिव इंटीजर एट लीस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है एम पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है नहीं या नेचुरल नंबर लिख सकते हैं आप उसको सच दैट ए एम यू माइनस अप से बड़ा होगा क्योंकि यू जो था वो लीस्ट अपर बाउंड था तो लीस्ट अपर बाउंड में से आपने कुछ माइनस किया तो वो लीस्ट अपर बाउंड नहीं रहा क्योंकि यू सबसे छोटा अपर बाउंड है उससे छोटा नंबर अपर बाउंड नहीं बन सकता यू इज़ द लीस्ट अपर बाउंड तो उससे छोटा नंबर अपर बाउंड नहीं बन सकता मतलब ये अपर बाउंड नहीं है ये अपर बाउंड नहीं है मतलब सीक्वेंस के पास एक ऐसी टर्म है जो इससे छोटी नहीं है तो हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट सीक्वेंस की ये वाली टर्म इससे छोटी नहीं है छोटी नहीं है तो फिर क्या है बड़ी है ठीक है ए एम इक्वल का साइन नहीं आएगा स्ट्रिक्ट बढ़ाएगा ए एम इज ग्रेटर देन यू माइनस अपसाइलन ठीक है मैं साफ साफ यहाँ लिख के बता देती हूँ यू एल यू भी है यू माइनस अपसाइलन जो है आपका वो आपका नहीं होगा अपर बाउंड नहीं होगा अगर बाउंड नहीं होगा मतलब सीक्वेंस के पास एक टर्म ऐसी होनी चाहिए ए एम देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट ए एम जो है वो इस यू माइनस अपसाइलन से बढ़ी आएगी क्योंकि सीक्वेंस की अगर सारी टर्म्स इससे छोटी होती गई तो ये भी अपर बाउंड बन जाएगा ना तो ये होगी आपकी डेफिनेशन एल यू बी की जी एल बी की डेफिनेशन क्या होगी पहला पॉइंट तो वो लोअर बाउंड वाला ही है कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो है वो एल से बड़ी होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए सेकेंड पॉइंट बनेगा ग्रेटेस्ट वर्ड के रिलेटिंग कि अगर आप साइलेंट कोई लें जीरो से बड़ा हावर स्मॉल देयर एग्जिस्ट लीस्ट वन पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए एम जो है वो एल साइलेंट से स्मॉल होगा मतलब साइलेंट ऐड किया एल में एल जो था वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था उसमें साइलेंट ऐड किया वो ग्रेटेस्ट नहीं रहा वो ग्रेटेस्ट नहीं रहा मतलब कि वो सॉरी वो लोअर बाउंड नहीं रहा क्योंकि उससे बड़ा बन गया ना तो वो लोअर बाउंड नहीं रहा लोअर बाउंड नहीं रहा मतलब आपकी सीक्वेंस की एटलीस्ट एक टर्म ऐसी जरूर होगी जो इससे भी लोअर होगी जो इससे भी लोअर होगी मतलब ए एम लेस देन एल प्लस सेल तो ये आपकी एल यू बी जी एल बी की डेफिनेशन हो गई नेक्स्ट है नोट थ्री अज्यूम दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड देअर फॉर देयर एग्जिस्ट अब सीक्वेंस बाउंडेड की एनअर डेफिनेशन करने जा रहे हैं ये डेफिनेशन आपने अभी ऊपर पड़ी है कि टू रियल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे एच एंड के सच दैट एच एंड के बीच में आएगा ए एन फॉर ऑल एंड बिलोंग टू एचुरट एम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एच मॉड ऑफ के इन दोनों का मॉड ले लो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं तो उनका मॉड ले लो मॉड का मैक्सिमम कर दो मैक्सिमम जो भी आएगा उसको आप नाम दे दो कैपिटल एम ठीक है मॉड ऑफ एच इज़ लेस दैन इक्वल्स टू कैपिटल एम क्योंकि इन दोनों का मैक्सिमम है एम तो ये दोनों जो हैं ये या फिर इक्वल होंगे एम से या फिर लेस होंगे जैसे कि आप मान लो ए एन है लाई करा है माइनस टू एंड सेवन के बीच में तो एच माइनस टू हो गया के हो गया सेवन तो मॉड ऑफ एच मतलब मॉड ऑफ माइनस टू दैट इज़ टू मॉड ऑफ़ के इज मॉड ऑफ सेवन जो कि सेवन ही रहेगा दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं पाए हुए तो ये आपका एम लेना है आपने मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एच मॉड ऑफ के तो मॉड ऑफ एच मॉड ऑफ के का मैक्सिमम एम बन जाएगा सेवन अब मॉड ऑफ एच एम से लेस है एंड मॉड ऑफ के यहाँ पर एम के इक्वल है तो हम जनरल में ये साइन डालेंगे लेस देन इक्वल्स टू का ठीक है तो मॉड ऑफ एच मॉड ऑफ के जो है दोनों देन इक्वल्स टू एम होंगे इस ब्रैकेट को आप इस मॉड को आप खोल दो तो एच जो है वो लाई कर जाएगा माइनस एम एम के बीच में ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है ना मॉड ऑफ़ के यहाँ पर खोल दो माइनस एम और एम के बीच में लाई करेगा एंड ऑल्सो आपको दिया हुआ है कि अब आप आपने क्या करना है आपने इन तीनों को इकट्ठा करना है ऑल्सो आपको ये दिया हुआ था ना ये ये चीज़ दी हुई थी इन तीनों को इकट्ठा करना है इसको 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 सेंटर में ए एन है यहाँ पर एच है एच से लेस क्या है एच से लेस है एम माइनस एम तो यहाँ माइनस एम आ जाएगा यहाँ के है के से बड़ा क्या है एम तो यहाँ पर एम आ जाएगा तो ए एन किसके बीच में लाइक कर जाएगा माइनस एम एम के बीच में ए एन लाइक्स बिटवीन माइनस एम एंड एम फॉर ऑल एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स देयर फोर आप इसके इसको क्या करो मॉड को इकट्ठा कर दो तो आपके पास बन गया मॉड ऑफ ए एन इज़ लेजन इक्वल टू एम फॉर ऑल एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स नो एज्यूम दैट मॉड ऑफ ए एन इज लेजन इक्वल्स टू एम फॉर ऑल एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स तो मॉड को खोल दिया तो आपके पास आ गया सीक्वेंस बाउंडेड देयर फोर सीक्वंस बाउंडेड इफ एन ओन लिफ यहाँ पर हमने प्रूव किया था कि सीक्वेंस बाउंडेड है तो ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करेगा एम रियल नंबर सच दैट ये रिजल्ट होल्ड होगा ठीक है अब उल्टा कर रहे हैं अब सीक्वेंस को बाउंडेड लेके चल रहे हैं तो आपके पास आपके पास आ गया ये रियल नंबर एम सच दैट ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू एम अगर सीक्वेंस बाउंडेड होगा तो ये दो नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे और अगर ये दो नंबर्स एग्जिस्ट कर गए ये दो नंबर्स एग्जिस्ट कर गए तो सीक्वेंस बाउंडेड हो गया मतलब उल्टा भी हो गया और डायरेक्ट भी हो गया कोई भी प्रॉब्लम रहती है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बिलो और यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप ये हमने प्रूफ हम बाउंडेड लेके चले थे ना तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए एन मॉन्ड इज लेस देन इक्वल्स टू एम दैट इज़ ये ठीक है ये यहाँ पर उल्टा शुरू कर दिया है मैंने ठीक है उल्टा शुरू कर दिया मतलब ये कंडीशन लेके चले और बाउंडेड शो कर दिए क्योंकि बाउंडेड के लिए आपको दो बाउंड चाहिए होते हैं ना तो बाउंडेड हो गया दोनों को मिला के लिख दिया इन्होंने कि बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ ये नंबर एग्जिस्ट करे नोट में लिखा हुआ है इफ़ ईच ए एन इज ग्रेटर देन जीरो एंड द सीक्वेंस इज अनबाउंडेड देन इट इज़ अनबाउंडेड अबव अगर सीक्वेंस सा, की सारी टर्म्स पॉजिटिव है और अगर अनबाउंडेड भी कहा हुआ है इन्होंने तो अनबाउंडेड अबव होगा क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स है तो नेगेटिव में तो जा नहीं सकता नेगेटिव में नहीं जा सकता मतलब इस पर बाउंड लगा दिया हमने नीचे से तो कहाँ से अनबाउंडेड फिर हो सकता है ये अनबाउंडेड अबव होगा अगर लेस देन जीरो है लेस देन जीरो है मतलब सारी टर्म्स नेगेटिव रहेंगी पॉजिटिव तो रखनी नहीं है मतलब ऊपर से बाउंड हम ऑलरेडी लगा चुके हैं तो अनबाउंडेड होगा तो कहाँ से होगा अनबाउंडेड बिलो होगा एग्जाम्पल्स कंसिडर द सीक्वेंस डिफाइंड बाय ए एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन ठीक है नाउ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन इट इम्प्लाइज वन अपॉन एन इज़ लेस देन इक्वल्स टू वन नेचुरल नंबर्स लेने होते हैं ना तो वन या वन से बड़े लेंगे वन अपॉन एन लेस देन इक्वल्स टू वन लेंगे ऑल्सो वन अपॉन एन इज़ ग्रेटर देन जीरो क्योंकि नेचुरल नंबर ही पुट करना है नेगेटिव तो पुट करना नहीं तो जीरो है तो ज़ीरो से बड़ा ही पुट करना है तो इट मीन्स वन अपॉन एन वन से स्मॉल है बट जीरो से बढ़ाई यहाँ पर इक्वालिटी आ सकती है यहाँ पर इक्वालिटी नहीं आ सकती तो ये बाउंड्रेड बन गया ना नीचे से भी अब से भी अब कंसिडर द सीक्वेंस एन स्क्वायरी इसका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सारी टर्म्स वन से बड़ी होंगी तो यहाँ पर आपके पास Uh, कोई भी अच्छा ऊपर से कोई बाउंड नहीं लगा इसको तो इट मीनस देयर एग्जिस्ट नो रियल नंबर के सच दैट ए एन इज़ लेस देन इक्वल्स टू के द सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबव कंसिडर द सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू माइनस एन इट इज बाउंडेड अबव एंड जीरो इज अपर बाउंड बट इट इज़ नॉट बाउंडेड बिलो या ये पढ़ लेना कोई प्रॉब्लम आएगी पूछ लेना ये सीक्वेंस नीदर बाउंडेड अबव एंड नॉट बाउंडेड बिलो है इसकी रेंज आप निकाल के देख लो ना वन पुट किया माइनस वन आ गया टू तो पुट किया फोर आ गया थ्री पुट किया आपके पास बन गया माइनस टू की पावर थ्री दैट इज़ माइनस एट फोर पुट करोगे तो माइनस टू की पावर फोर माइनस टू की पावर फोर आपको बन जाएगा सिक्सटीन तो आप देख रहे हैं नेगेटिव्स में भी ये कम होता जा रहा है पॉजिटिव्स में बढ़ता जा रहा है तो बेसिकली आप कोई भी सीक्वेंस का अगर नेचर निकालना चाहते हैं कि ये बाउंडेड है किधर से किधर से नहीं है तो आप रेंज निकालो उसकी और रेंज देखो कि वो किस तरफ से बाउंडेड सेट है यहाँ पर ये अनबाउंडेड नीचे से भी है एंड अबव से भी है मतलब इट इज नीदर बाउंडेड अबव नॉर बाउंडेड बिलो इसके बाद नेक्स्ट आ गया कन्वर्जन सीक्वेंस क्या होता है कन्वर्जन सीक्वेंस होता है सीक्वेंस एन इज सेट टू कन्वर्ज टू लिमिट एल इफ इफ गिव फॉर गिवन एलन जीरो स्मॉल देर पॉजिटिव इंटीजर एम डिपेंडिंग अपॉन अपसैलन सच दैट मॉड ऑफ एन माइनस एल इज़ लेस देन अपसैलन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एम इसका मतलब है मान लो आपके पास पहले मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ लेमन लैंग्वेज में मान लो आपके पास सीक्वेंस है वन अपन एन सीक्वेंस वन अप एन के नम, जितनी भी टर्म्स हैं हम ड्रॉ करेंगे इसको रियल लाइन पे पहली टर्म आपकी वन बनेगी वन ये वन बन गई दूसरी टर्म बनेगी वन बाय टू तीसरी टर्म बनेगी वन बाय थ्री फिर अगली टर्म बनेगी वन बाय फोर फिर अगली टर्म बनेगी वन बाय फाइव फिर अगली टर्म बनेगी वन बाय सिक्स अगली टर्म वन बाय सेवन वन बाई एट वन बाय नाइन जीरो के क्लोज जाते जा रहे हैं आप ठीक है तो इन्होंने लिखा हुआ है ये समझ में आ गया कि सारी टर्म जीरो के क्लोज जा रही हैं इनफैक्ट एक लिमिट के बाद लाइक वन बाय हंड्रेड मान लो सीकुंस के जो टर्म्स हैं वो ज़ीरो के बहुत क्लोज पड़ी हुई हैं ऑलमोस्ट ज़ीरो के पास ही पड़ी हुई हैं हंड्रेड के बाद मान लो या हंड्रेड नहीं मानना तो चलो थाउजेंड के बाद मान लो थाउजेंड के बाद सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो जीरो के बिल्कुल पास पड़ी हुई हैं तो आप कह सकते हैं सीक्वेंस की टर्म्स का ज़ीरो से डिफरेंस जो है वो बहुत कम है सीक्वेंस की टर्म्स का जो जीरो से जो डिफरेंस है डिफरेंस को हम हमेशा मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस लेके मॉड लेते हैं बहुत ही कम है बहुत ही कम है, है मतलब साइलेंस से भी कम है ठीक है और कौन सी सीक्वेंस की टर्म्स है थाउजेंड के बाद वाली थाउजेंड के बाद वाली मतलब एंड ग्रेटर देन थाउजेंड फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन थाउजेंड अब इसी को मैं जनरल में लिखती हूँ मैं लिखूंगी अ सीक्वेंस इज सेट टू बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस एल इसको लिखते ऐसे हैं कन्वर्जेंट टू एल अ सीक्वेंस इज सेट टू बी कन्वर्जेंट टू एल इफ फॉर गिवन अपसाइलन ग्रेटर दैन जीरो हाउ एवर स्मॉल जितना मर्जी छोटा अपसाइलन ले लो देअर एग्जिस्ट अ एम बिलोंग टू नेचुरल नंबर कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट सीक्वेंस की टर्म्स इस एल के बहुत करीब हो जाएंगी फॉर ऑल ग्रेटर ग्रेट इक्वल टू एम एम के बाद वाली सीक्वेंस की जो टर्म्स होगी वो एल के बहुत करीब हो जाएंगी यहाँ पर एल आपका जीरो है यहाँ पर एम आपका थाउजेंड है ठीक है तो ये आपकी डेफिनेशन होगी कन्वर्जेंस की कन्वर्जेंस की ठीक है इसके बाद आप एग्जाम्पल देखिए एल अच्छा इसको एल को क्या बोलते हैं एल इज़ कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एंड वी राइट इसको या फिर इस तरह से लिख देते हैं या इस तरह से लिख देते हैं ए एन लिमिट एंड अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एल या ऐसे लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं या सिंपली ऐसे लिख देते हैं मैंने ऐसे सिंपली लिखा था ठीक है जैसे मर्जी लिख सकते हैं आप देख लेना कंसिडर द सीक्वेंस वन अपॉन एन अब मैंने ये समझा दिया ये डेफिनेशन के साथ मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगी